नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्या BNS गोट फार्म से। दोस्तों, बकरी पालन में हरा चारा का बहुत बड़ा महत्व है। और देखिए, आज मैं अपने खेत में आया हूँ और हमारे खेत में लगाया गया है चकुंदर। बकरी को चकुंदर खिलाने के फायदे के बारे में हम जानेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ, चकुंदर हमारे देश में अक्सर जो है कि ठंड के मौसम में लगाया जाता है और ये ठंड के मौसम में ही तैयार होता है और इसे इंसान और पशु दोनों खाते हैं। ज़्यादातर किसान अपने यहाँ जो घरों पर बकरियाँ रखते हैं, चकुंदर मैं आपको दिखा दूँ, पहले चकुंदर होता क्या, ये देखिए चकुंदर का खेती लगा हुआ है पूरा। तो दिखाइए इधर, ये चकुंदर का खेती पूरा है। और देखिए, मैं इसमें नज़दीक दिखाइए, नज़दीक और नज़दीक आइए, और नज़दीक आ जाइए, दिखाइए, मैं निकाल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अभी छोटा है, ये है चकुंदर और ये बहुत हरा भरा होता है, लाल कलर का इसका पत्ता होता है। और इसमें जो चकुंदर होता है वो ज़मीन के अंदर रहता है, जैसे गाजर और मूली रहता है, वो अंदर में रहता है। तो अब बकरी को खिलाया क्या जाता है, देखिए अभी बकरी को इसका जो दाना है, ये यानी जो चकुंदर का जो फल है वो ज़मीन के अंदर होता है, ये भी खाती हैं बकरियाँ, बड़े ही चाव से खाती हैं और इसकी पत्तियाँ भी खाती हैं। क्योंकि जब किसान जैसे कि मंडी में लेकर के जाते हैं तो कुछ किसान पत्तियों के साथ में लेकर जाते हैं, तो मंडी में पत्तियों को फेंक दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मंडी में गाय और भैंस बकरियां बहुत सारा जो है कि घूमती रहती हैं और उसको खाती हैं और किसान इसको जो है कि सेल कर देता है। अब जब मार्केट डाउन रहता है या किसान के पास ज़्यादा है और किसान ने बकरी पालन किया है या गाय भैंस पालन किया है, लोग इसको भी काट करके हरे चारे के रूप में इसको खिलाते हैं। अब इसमें पाया क्या क्या जाता है ये भी बताऊंगा मैं, वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हरा चारा, हरा चारा की कमी को पूरा करता है। और अगर बकरी को हरा चारा नहीं मिल रहा है तो बकरी का ग्रोथ नहीं होता है। और एक चीज़ बता दूँ, इसके अंदर चकुंदर के अंदर फाइबर, आप इसकी पत्तियाँ खिलाओ या इसका फली खिलाओ, बहुत ज़्यादा फाइबर मात्रा इसके अंदर पाया जाता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें प्रोटीन कम होता है लेकिन फाइबर बहुत ही बेहतरीन है। और अगर बकरी आपकी मोटी तगड़ी नहीं हो रही है, अगर आप चकुंदर का पत्ता या चकुंदर खिला रहे हो तो बकरी का ग्रोथ बढ़िया होता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ देखिए प्रॉब्लम है कि ये ठंड के मौसम में ही पाया जाता है और कहीं कहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ ठंड के मौसम में ही ये होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मजबूरी है कि हम इसको 12 महीना नहीं खिला सकते हैं, लेकिन जब ये इस सीज़न में पाया जाता है तो बकरियां इसे बड़े ही चाव से खाती हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी आपने चकुंदर निकाल लिया, सपोज़ हमने इसको सेल कर दिया, ये पत्ते हमने रख लिया बकरियों को खिलाने के लिए, तो आप शाम को या सुबह चाहे जब भी निकालें, निकाल करके इसको रख दें, दूसरे दिन इसको काट करके खिलाएं या डायरेक्ट ऐसे डाल करके खिलाएं, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और बकरियाँ ज़्यादा हरा चारा, पानीदार हरा चारा बकरी ज़्यादा खा लेती है तो उनका डायरिया यानी कि लूज मोशन होने लगता है। तो इसको 12, 14, 15 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद आप खिलाएंगे तो पानी की मात्रा कम हो जाता है, तो बकरियों को नुकसान नहीं करता है, बकरियों का बहुत बढ़िया ग्रोथ होता है। दोस्तों, छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।